ये एक छोटा सा कैप्सूल हमारे घर के प्लास्टिक यूजेज को काफी कम कर सकता है और ये इनोवेट किया है इन दोनों ने। हाय, मेरा नाम प्राची बंसल है। और मेरा नाम सुमित गोयल है। प्राची और सुमित ने इकोसिस नाम का एक स्टार्टअप किया है जिसमें वो सिर्फ ग्लास क्लीनिंग एजेंट ही नहीं बल्कि और भी कई प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे प्लास्टिक यूज को काफी कम किया जा सकता है। और तो और ये नॉर्मल प्लास्टिक वाले प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट 60% सस्ता भी पड़ता है। लेकिन ये प्लास्टिक कैप्सूल पानी में डिसॉल्व कैसे हो जाता है? अभी तक कितना प्लास्टिक इकोसिस की वजह से बचाया जा चुका है और हम कैसे इकोसिस के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं? डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट्स की अकॉर्डिंग साल 2018 से 2019 के बीच इंडिया में 3.3 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ था एंड दैट इज ह्यूज। इसका एक मेजर रीजन है क्लीनिंग एजेंट्स जो हमारे घर में अलग अलग वैरायटी के हर महीने आ जाते हैं, फिर चाहे वो ग्लास क्लीन करने के लिए हो या फिर फ्लोर क्लीन करने के लिए। ये ऑलमोस्ट सारे क्लीनिंग एजेंट्स प्लास्टिक बॉटल में ही आते हैं जिसे हम सब ऑर्डर करते हैं और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है प्राची और सुमित ने। मैं प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो एक दिन जब अपने दोस्तों के साथ बीच पे घूमने गया तो मैंने देखा इधर उधर बहुत सारा प्लास्टिक पड़ा था। गंदगी इतनी ज्यादा थी कि एक पल के लिए मुझे लगा मैं किसी बीच पे नहीं किसी डंप यार्ड पे आ गया हूं। इस बात ने मुझे सीरियसली इतना हिट किया कि वी ह्यूमंस नीड टू चेंज आवर हैबिट्स। सुमित ने डिसाइड कर लिया था कि वो कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके, तो वो रिसर्च करने लगे और तब उन्हें पीवीए मटेरियल के बारे में पता लगा। पीवीए एक ऐसा मटेरियल है जो प्लास्टिक की तरह लाइट वेट है, ड्यूरेबल है और प्लास्टिक इतना सस्ता भी है। इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि प्लास्टिक की तरह डीकम्पोज होने में हजारों साल नहीं लेता है बल्कि पानी के कॉन्टेक्ट में आते कुछ ही मिनट में डिजोल्व हो जाता है। अब सुमित को पीवीए के बारे में तो पता चल गया पर अभी भी वो इस मटेरियल में क्या और कैसे पैक करेंगे ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने प्राची को कॉल किया जो उस टाइम इटली में मास्टर्स कर रही थी। सुमित ने जब मुझे पीवीए के बारे में बताया तो मैंने उसको बोला कि यहाँ तो इसके कैप्सूल्स मिलते हैं पर वो सब डिशवॉशर के लिए हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो सुमित ने मुझे इसके कुछ सैंपल्स लाने को बोला। हमने जब ये सैंपल्स देखे और यूज किए तो हम कॉन्फिडेंट थे इस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट हमें इंडिया में लाना है क्योंकि इससे काफी प्लास्टिक वेस्ट बचाया जा सकता है। तो मैं और प्राची सोचने लगे इससे हम बनाएंगे क्या। उन दोनों के पास पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बनाने का ऑप्शन था पर फिर उन्होंने सोचा कि पर्सनल केयर में तो फिर भी सोप जैसे ऑप्शन है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट जनरेट नहीं होता, पर क्लीनिंग एजेंट्स में रेवोल्यूशन लाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था और इसीलिए उन्होंने क्लीनिंग एजेंट्स के प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। पर अभी एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ट्रायल के टाइम हम जब भी कुछ सोल्यूशन तैयार करते और उसे पीवीए फिल्म में पैक करते तो खुद में ही डिसॉल्व हो जाता। ऐसा कई बार हुआ। पर हमें ये पता था कि हमें अपने क्लीनिंग एजेंट नॉन टॉक्सिक और प्लास्टिक फ्री रखने हैं पर वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस में। कई बार फेल होने के बाद फाइनली हमने ऐसा एजेंट तैयार कर लिया। ये कैप्सूल इस तरह से पानी में डिसॉल्व हो जाता है और आपका एक लीटर क्लीनिंग सॉल्यूशन रेडी हो जाता है। एक नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल अप्रोक्सीमेटली 360 ग्राम्स का कार्बन फुटप्रिंट प्रोड्यूस करती ही है और हर घर में हर महीने कम से कम 4 से 5 डिफरेंट क्लीनिंग सॉल्यूशंस यूज आते हैं। हम इस प्रोडक्ट से यही सारे क्लीनिंग सॉल्यूशंस रिप्लेस करना चाहते हैं। इस समय हम ग्लास क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, ऑल पर्पज क्लीनर, फ्लोर क्लीनर एंड एयर फ्रेशनर तैयार कर रहे हैं जो भी नॉन टॉक्सिक है और मार्केट में मिल रहे दूसरे क्लीनिंग सॉल्यूशन से काफी अफोर्डेबल पड़ते हैं। इकोसिस में हम काफी नए प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करते रहेंगे सो दैट प्लास्टिक पैकेजिंग को अवॉइड किया जा सके। हमने डिसाइड किया कि हम इसकी पैकेजिंग भी प्लास्टिक फ्री रखेंगे, तो हमने इकोसिस रिफिल्स को एक बायोडिग्रेडेबल वाटर रेजिस्टेंट पेपर में पैक किया है जो 100% नेचुरल और सस्टेनेबल है। अभी तक इकोसिस की वजह से 43,000 से भी ज्यादा प्लास्टिक बॉटल्स को वेस्ट होने से बचाया जा चुका है। तो अगर आपको इकोसिस के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं और अगर आपको सुमित और प्राची से कांटेक्ट करना है तो आप उनको इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। ऑल्सो इकोसिस का आइडिया हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे प्लास्टिक वेस्ट को काफी हद तक कम किया जा सकता है, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम एक वीडियो बना के उनकी स्टोरी स्प्रेड करेंगे। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। तो अगर आपको भी इकोसिस के प्रोडक्ट्स अट्रैक्टिव लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन कैप्सूल्स के बारे में बताइएगा सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इन कैप्सूल्स को यूज करें और प्लास्टिक वेस्ट को कम किया जा सके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।